तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आपके सामने पेश हूं अपने चैनल टैक्स लाइफ के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो हमें गिफ्ट देते हैं, और जबकि गिफ्ट लेना और देना सभी को पसंद होता है, बल्कि लेना सबको ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ने कुछ प्रोविज़न अपने लागू कर रखे हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स को गिफ्ट लेना और देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने अपना एक लॉ जो है वो एप्लीकेबल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा रुपए का गिफ्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ जाता है ना। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको फिर टैक्स देना पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं क्या नाम किस चीज़ के बारे में, कितने की लिमिट के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, जो ये इनकम टैक्स का लॉ है ये हमारे किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वैसे तो सारे रिलेटिव्स के ऊपर हमारा जो इनकम टैक्स का जो ये लॉ है, जो टैक्स देना है हमें किसी से भी गिफ्ट प्राप्त होता है हमारे रिलेटिव से, तो वहाँ पे हमें फिर अगर उस गिफ्ट की जो वैल्यू है अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें फिर इनकम टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ जाता है, अगर कोई रिलेटिव से हमें गिफ्ट मिलता है तो। पर वहाँ पे दोस्तों, हमें कौन से ऐसे रिलेटिव हैं जहाँ पे हमें क्या नाम है, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं, है ना, अपने सन इन लॉ को भी गिफ्ट देते हैं, है ना, अपने ब्रदर्स को भी गिफ्ट देते हैं, अपने सिस्टर्स को भी गिफ्ट देते हैं, तो क्या वहाँ पे भी इनकम टैक्स लगेगा, वहाँ भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, है ना। पर गवर्नमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उसने यहाँ पे थोड़ी हमें सहूलियत दे रखी है, बेनिफिट ये दे रखा है कि जो भी हमारे ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हो गए, है ना, उनके हमारे ग्रैंडफादर हो गए, हमारे फादर हो गए, हमारी सिस्टर हो गई, हमारी बहन हो गई, इन लोगों से जो भी हमारे ब्लड रिलेशन में है, इनसे अगर हमें कोई गिफ्ट की प्राप्ति होती है तो वहाँ पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। बाकी अगर अदर रिलेटिव से हमें अगर कुछ गिफ्ट प्राप्त होता है तो वहाँ पे हमें अपना इनकम टैक्स देना पड़ता है, अगर 50,000 से ऊपर की लिमिट पे अगर हम गिफ्ट को रिसीव कर लेते हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ता है। एक और ये जो लिमिट है दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर की है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट रिसीव कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाता है ना। तो दोस्तों, अब जो ये इनकम टैक्स है तो यहाँ पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम जो कि गवर्नमेंट को हम बता सकें कि ये जो हमारे पास आई है ये गिफ्ट के तौर पे हमें मिला है, हमारे भाई या हमारे ब्रदर ने हमें गिफ्ट पे दिया है, इस पर टैक्स ना लगे। तो उसके लिए दोस्तों, हमें एक गिफ्ट डीड होती है वो बनवानी बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें एक गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लेनी चाहिए ताकि हम उसके ज़रिए बता सकें कि ये हमारा ब्लड रिलेशन के द्वारा हमें जो गिफ्ट है जो है वो प्राप्त हुआ है ना, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है और इस तरीके से मेरे भाई ने दिया है, सिस्टर ने दिया है ना, उनसे एक गिफ्ट डीड जो है वो ज़रूर बनवा लें दोस्तों। उस डीड के अंदर सिर्फ ये चीज़ें लिखी होती हैं कि ये गिफ्ट जो है जिससे आपको प्राप्त हुआ है वो गिफ्ट, उसके बारे में लिखना है कि इनसे मुझे ये गिफ्ट प्राप्त हुआ है, इस तारीख को प्राप्त हुआ है ना, और इसकी वैल्यू ये है ना, और इस तरीके की चीज़ें आपको लिखवा लेनी है, उसको नोटरी भी करवा लेना है ताकि आपके पास एविडेंस के रूप में कोई सबूत आपके पास रहे। क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये दोस्तों ऐसा नहीं करता है कि अगर इस साल आपसे गलती हो जाए तो इसी साल आपको बुला ले, है ना, केस के लिए, तो वो ऐसा नहीं करता है। वो पीछे केस जो होते हैं ना, पुराने केसों को उठाते हुए लेते चलता है। तो आपका जो आज अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपके साथ, अगर आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं रखते हैं तो वो आपको 3 साल बाद या 2 साल बाद आपको या 5 साल बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और पर ये भी फैक्ट है कि आती ज़रूर है दिक्कत। तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो गिफ्ट डीड है उसको बनवा के जरूर रख लें, है ना। और हो सकता है कि अगर आप गिफ्ट डीड नहीं बनवा पा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जो है वो भी अपने पास एक बनवा लें, है ना। उसको जो भी आपको रिसीव दे रहा है, अपना गिफ्ट दे रहा है, तो उनसे एक ईमेल के तौर पे एक ईमेल लिखवा लें कि ये फलाह तारीख को मैंने गिफ्ट दिया है, और ये मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, इस तरीके से ये लोग मेरे रिलेटिव हैं। तो इस तरीके से आपको एक ईमेल लिखवा लेनी है, वरना गिफ्ट डीड एक सबसे बेटर ऑप्शन होता है दोस्तों। वहाँ पे आपको गिफ्ट डीड से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है, उसको आप नोटरी करवा के अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ये लिमिट बताई गई है गिफ्ट की, गिफ्ट के ऊपर टैक्स देने की, वो 50,000 से अगर ज़्यादा का गिफ्ट अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको फिर जो है वो टैक्स देना पड़ जाता है ना।
बाकी जो ब्लड रिलेशन में जो हमारे लोग होते हैं उनसे रिसीव होने पे हमें कोई टैक्स नहीं देना होता, पर उसके लिए भी हमें अपने पास प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो गिफ्ट है मुझे अपने ब्रदर से सिस्टर से रिसीव हुआ है और इस तारीख को रिसीव हुआ है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास प्रूफ के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टैक्स लाइफ को, ताकि आगे भी हम आपकी थोड़ी बहुत जो भी है हेल्प कर सकें और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू।